गुड इवनिंग एवरीवन। चलो पहले आज तक क्वेश्चन ही डिस्कस करांगे आपा, ठीक है? फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करांगे जो आपा ने करना है। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल? क्वेश्चन नंबर 18 जो गुरलीन ने पूछा है, आपा वो देख लेने पहला। कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 300 न्यूटन वेट टू अ हाइट 10 मीटर। 18 क्वेश्चन है, 300 न्यूटन वेट है, मतलब उस मास कितना हो जाएगा 30 kg, ठीक है? एसलेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। बेसिक फॉर्मूला के अंदर अपने कुल वर्क डन का फॉर्मूला के अंदर अपने कुल MgH, ठीक है? वर्क डन के अंदर अपने कुल जिन्ना अपने कोल पोटेंशियल एनर्जी हो उन्ना ही वर्क डन होगा। बट इस जगह पे जी दे नाल की करना आपा ने, जे अप मूव करूगा ए बन जो अपने कुल MgA×H, तब वर्क डन ही बन जूगा। जे अपने कुल ध्यान नाल समझियो, 300, जे अपने कुल 300 न्यूटन वेट है तो उदी वैल्यू है Mg, ठीक है? 300 न्यूटन जो मास किन्ना हो जाएगा, दैट वुड बी 30 kg। सारे नु क्लियर? 300 kg का जो वेट होंगे वह 300 न्यूटन होंगे, तो 30 kg नु इतने पुट करना है। मास किन्ना? 30 × हुण वैल्यूज चेक करते हैं, आपां गिवन की है 30 × H किन्ना, ते एसोलेशन किन्नी? एसोलेशन का 0.5 सी, 18 क्वेश्चन है, एसोलेशन इज 0.5, हाइट इज 10। एटीनथ क्वेश्चन है बच्चे, ये एटीनथ क्वेश्चन है। एसलेशन इज 0.5, हाइट इज 10। दोबारा देख लो, जे अपने कोल 300 न्यूटन बॉडी का वेट है तो एम जी की वैल्यू 300 न्यूटन है, ठीक है? जी की वैल्यू 10 ले लो तो एम कितना बन जू, 300/10, इट वुड बी 30 kg। द मास ऑफ अ बॉडी वुड बी 30 kg कदों, जदों अपने कोल वेट कितना हो जूगा 300 न्यूटन, ठीक है? तो इसकी वैल्यू पुट कर दो 30 × 10.5 × 10, कैलकुलेट कर लो कितना आना है, ये हो जूगा 300 × 10.5, आई गेस 3050 बन जू है, ये आप इस 3 × 1050 बन जू 3150 जाऊ, तो वर्क डन कितना आ जूगा 3150। ध्यान रखना है इस जगह पे ग्रेविटी की वैल्यू नू मैं की ले रहा, 10 ले रहा, 9.8 नहीं लेता, ठीक है? वेट तो एमजी के में कितना, सारे नू क्लियर हो गया? वेट तो अपन ने एमजी मास के में लेता 30 kg, क्लियर सारे नू? जे बॉडी अप जाती है देन अपने कुल की हो जाता है, देन जी प्लस ए है। जे बॉडी डाउन जाऊगी देन की हो जाऊ अपने कुल जी माइनस ए, जिमें आप लिफ्ट वाला करते सके। नेक्स्ट क्वेश्चन से मार्किंग कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन तुसी पूछे हुए ने 35, 36, 35, 36 आ रहे हैं, 55, 56 है। पहले आप 35, 36 करांगे, 35 ते 36 क्वेश्चन करांगे, ठीक है? हो गया नोट सारे का? पहला आप डिस्कस करांगे 35th, थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। एन ऑटोमोबाइल इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 100 km/h, तो ऑटोमोबाइल की स्पीड कितनी है 100 km/h, इज एग्जर्टिंग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ 400 kgf, तो 400 kgf की फोर्स लगा रही है। वट हॉर्स पावर मस्ट इंजन डिवेलप इफ 20% इज वेस्टेड, 20% वेस्ट हो रही है तो उस यूज़ की नहीं हो रही है, 80% यूज़ हो रही है। इट मीन्स 80% की है पी आउटपुट, तो आपने पी इनपुट फाइंड करनी है। स्टेटमेंट सारे क्लियर? 20% पहला हूँ जो आप डिस्कस कर रहे हो, देखो आप 35th डिस्कस कर रहे हो, देख लो 35th दे विच 20% लॉस है। जे 20% लॉस है तो 80% यूज़ हो रहा है, तो 80% की अपने कोल आउटपुट है, तो इनपुट कितनी है आपने फाइंड करनी है।
फोर्स किनी है अपने को 400 kgf, वेलोसिटी किनी है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्टेटमेंट सारे क्लियर। हूँ अपने को जो पावर का फॉर्मूला होंगे, जो पावर का फॉर्मूला होंगे वो होंगे फोर्स इंटू वेलोसिटी। सारे नहीं याद है, होर्स पावर पावर की यूनिट होंगी है। ठीक है, होर्स पावर दिता है कितने, वट होर्स पावर ये आप करते हैं। ठीक है, होर्स पावर जो होंगी है 1 HP कहने ने, ये 746 वॉट होंगे गैस। ठीक है, 746 वॉट होंगे। अपने घर की जी मोटर होनी है पानी वाली, वो HP जुनिया ने। पानी वाली मोटर्स नॉर्मली HP जुनिया ने, इंजन होंगे ने वो भी HP होंगे ने, जो अपने वहीकल्स इंजन होंगे ने। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स की वैल्यू कितनी है 400 kgf, ये ग्रैविटी की वैल्यू दिती हुई है नहीं दिती हुई, तो उसनों आप ले लें 10 ईजी कैलकुलेशन वास्ते। तो फोर्स कितनी होगी 4000 न्यूटन। ठीक है, वेलोसिटी है 100 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर नू आपा कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड, ये अपने की आजूगा वॉट दे विच आजूगा पावर आउटपुट। सारे नू क्लियर, जिस एनर्जी नाल कम होया बाहर दैट इज इंक्लूडेड इन द पावर आउटपुट। इस आप काउंटिंग कर सकते हैं किन्नी बनती है, SI यूनिट्स वॉट रखांगे। ठीक है, कैलकुलेट करो, देखो वैल्यू किन्नी बनती है। मैं भी देखना करके कैलकुलेटर यूज करके। अपने को बन जू 1.11 वॉट। तो इस आप 1000 से डिवाइड कर देने तो अपने को शिफ्ट हो जू 1000 वाला हाथ, 11.11 किलो वॉट पावर आउटपुट है। ख्वाहिश लेट हो गए बच्चे, स्टेप सारे क्लीयर। तो आपने की फाइंड किया, आपने आउटपुट की है फाइंड। सचिन आज एबसेंट है क्या, हैगा क्लास च? कुणाल भल्ला इज प्रेजेंट। सचिन सब तो पहला सी, उस तो बाद नहीं दिखिया। होमवर्क पहले ही सुन लो सारे। KGF नू कन्वर्ट किया बच्चे, KGF नू 400 तो आपने 10 ले लिया, ये जी की वैल्यू है ना, KGF की वैल्यू है। तो अपने कोल आउटपुट आ गई इन्नी, आपां नू दित्ता है 80% यूज हो रहा है, मतलब 80% एफिशिएंसी है। तो 80/100 स्टेप देखो ध्यान नाल, उसने क्या है अपने कोल 80% यूज हो रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी है 80% है, मतलब है यदा मीनिंग है। ठीक है, कि अपने कोल 2, 4, 6 कैलकुलेशन में दोबारा देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग यही आना सी, दोबारा देख लेने आप। हो सकता है गलती हुई हुए, छे बार एक आना सीगा। यस 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 यस, एक का कट गया ता बन गया 111.11 आउटपुट होगी। सही है, मैं दोबारा कैलकुलेशन चेक की है। तो एफिशिएंसी होंगी है पी आउटपुट पाए पी इनपुट। पी आउटपुट कितनी है 111.11 किलोवाट बाय पी इनपुट, जो आपने फाइंड करनी है। तो पी इनपुट कितनी आ जूगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ग्रैविटी की वैल्यू पुट कर दो। जे आपने KGF नू न्यूटन च कन्वर्ट करना है, जस्ट ग्रैविटी की वैल्यू पुट कर दो। करके दिखा दिना दोबारा मैं, बट पहले एक क्वेश्चन आंसर कर लो। ये बन जो अपने को 111.11 × 10/8, इट वुड बी 138.88 किलोवाट। करेक्शन करती फायम, करेक्शन करती, 6 बार 1 ही कहता है। तो अपने कोल 1 HP दे विच 746 वॉट होने, या फिर 0.746 किलो वॉट होने ने, कन्वर्जन का ध्यान रखो। ठीक है, तो अपने 1 किलो वॉट दे विच यूनिटरी मैथड है कि 1/0.746 HP।
स्टेप्स आर समझाया जे अपने को एक एच पी 0.746 किलो वॉट ने तो एक किलो वॉट किन्ने हो जाएंगे 1/0.746 HP तो अपने को किन्न कन्वर्ट करना 138.88 किलो वॉट के किन्ने हो 138.88/0.746 तो पावर इनपुट कि बन जूगी यद बन जू 138.88/0.746 बन जू 186.17 HP। यह आंसर उदो सही है जब आपने ग्रैविटी की वैल्यू 10 लिती है। जो ग्रैविटी की वैल्यू आप 9.8 ले लेंगे आंसर बुक नाल एग्जैक्ट मैच कर दूगा। पता लग गया मेन स्टेप का मीनिंग समझो, मीनिंग समझो किवें सॉल्व किया की किया ठीक है। जे अपने को 10 kgf है तो की करांगे 10 नू जी ते मल्टीप्लाई कर देंगे हो जूगा 100 न्यूटन ठीक है। जी की वैल्यू जे अपने 10 लेनी है दैन हो जू 100 न्यूटन 100 न्यूटन जे 300 न्यूटन लैट से वोद के जी एफ देखना कि होगा की करेंगे 10 गायब कर दो तो 300/10 तो ग्रैविटी की वैल्यू पुट कर दो 30 kgf आ जाओ। क्लीयर सर है मेन मैथड समझो। ये सारे लेंथी लेंथी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन कोई भी नहीं है, अच्छे वाले क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। स्प्रिंग कॉन्सटेंट वाले सारे ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ने, टाइप एफ टाइप जी इलास्टिक तो इन इलास्टिक वाले ठीक है। 2 दिन 3 दिन ज़्यादा ले लो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। कंडीशन एक है कि तुहाडी हथों एक बार क्वेश्चन निकलने होने चाहिए ने, प्रैक्टिस तुसी करनी है। क्वेश्चन सारे ने क्लीयर क्वेश्चन सारे नु क्लीयर पक्का सारे नु क्लीयर है। लेंथी क्वेश्चन है, सारे नु होमवर्क मैं पहला दसने अज जी क्लास लग रही है इसनों दोबारा देखना है वो पोर्शन नु जेड़ा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं थे ठीक है। एक बार खुद अपने आप करके देखना है तो क्लास दोबारा देखनी है किवें किवें किता है, तुहाडा कोई भी डाउट विच नहीं रहेगा, सारे क्लीयर होणगे। पहला आप 35th डिस्कस कर लें फिर 34th कर लेंगे, तो 35th हो चुका है 36th से आ जाओ। 36th है द मोटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो सब तो पहला इसनों 5/18 लगा के मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर देने, इट वुड बी 15 मीटर पर सेकेंड ठीक है। दैन कंज्यूम्स पावर, हूँ स्टैप समझो। वो कह रहे कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब एक ही चीज़ है इनपुट है 900 किलो वॉट। कंज्यूम पावर का मतलब की है, यह इनपुट है जी आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट च दे रहे हैं। इलास्टिक तो इन इलास्टिक वाले शायद ही होने बचे, बट पहला तुसी पिछ आ वाला स्प्रिंग कॉन्सटेंट तो कंजर्वेशन मकैनिकल एनर्जी तक कंप्लीट करो ठीक है। देखते हैं किन्ने क्वेश्चन डिस्कस होने ने, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला ये वाला पोर्शन सारा कंप्लीट करो, सिंगल क्वेश्चन भी थोड़ा डाउट नहीं रहना चाहिए, मेरे तो चाहे जिन्ना मर्जी टाइम ले लो ठीक है, बट थोड़ा डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर आप कलूजन पर आने, कलूजन वाले खास नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट समझो, वो कह रहे हैं कंज्यूम पावर ऑफ 900 किलो वॉट, 900 किलो वॉट इनपुट कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट के। द एफिशंसी ऑफ मोटर्स एंड ड्राइव मकैनिज्म इज 0.8 एंड उसकी एफिशिएंसी है 0.8 मतलब 80%। 1 दे विचो 0.8 है, 100 दे विचो 80 है, परसेंटेज मतलब है। डिटरमाइन द ट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मोटर्स ठीक है। तो आपने फाइंड करनी है मोटर्स कितनी लगेगी, मोटर ते फोर्स कितनी लगेगी वो दसना है। तो आपने फोर्स फाइंड करनी है, स्टैप्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट सारे क्लीयर है बच्चे। जे स्टेटमेंट क्लीयर है तो ही दसागा मैं। तो अपने कोल इनपुट पावर गिवन है 900 किलो वॉट जिदी एफिशिएंसी मोटर की है 80%। तो एफिशिएंसी
पॉइंट एट रख लो बच्चे, 80% देख लो एक बार, 80% का मतलब 100/80, तो वो 0.8 बन जूगा। गल एक ही है, चाहे 80% रख लो चाहे 0.8 रख लो, दोनों का मीनिंग सेम है। यदा फॉर्मूला होंगे पी आउटपुट बाय पी इनपुट। हम अपन पी इनपुट देवन गिवन है, तो 0.8 इज इक्वल टू पी आउटपुट जो अपनी यूजफुल है। इनपुट एवं पता लग गया उसने वर्ड यूज़ किया कंज्यूम, कंज्यूम पावर मतलब वह इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मेट कंज्यूम करूँ, ठीक है। अपने को बिजली किन्नी कंज्यूम हो रही है किवें पता लगता है, मीटर तो ही पता लगता है। तो इंस्ट्रूमेंट ए सी, फॉर एग्जाम्पल आप ए सी की गल करिए, ए सी बिजली किन्नी खा रहा आप पता लगेगा, कूलिंग किन्नी कर रहा है वो चीज़ पता लगू, बट कूलिंग आप काउंट नहीं कर सकते, आप जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा उसको काउंट कर सकते हैं, तो क्या वो इनपुट है। सिमिलरली मोटर की कर रही है, वह कंज्यूम कर रही है 900 किलोवाट पावर, तो कंज्यूम का मतलब कि यह बिजली तो कंज्यूम कर रही है, यह इनपुट है, क्लियर, ठीक है। तो इनपुट किन्ने 900 किलोवाट, पी आउटपुट किन्ना होगा, पी आउटपुट हो जाएगा 900 × 0.8, दैट इज 720 किलोवाट। तो पी आउटपुट की वैल्यू होगी 720 किलोवाट, क्लियर है सारे नू। ट्रैक्टिव फोर्स होंगी सिंपल फोर्स, ट्रैक्टिव फोर्स मतलब खिंचन वाली फोर्स होंगी है, ये अपना टेक्निकल वर्ड आंदा है, इंजीनियरिंग चाहूगा प्लस वन प्लस टू कोई काम नहीं, तो ध्यान रखना है फोर्स फाइंड करनी है। हूँ पावर का फॉर्मूला क्या होंगे अपने को, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू विलोसिटी, पावर कितनी है 720 किलोवाट। आउटपुट आ देखो सॉल्व किया अपने, आउटपुट कितनी सॉल्व की है, दैट इज 720 किलोवाट। जे आपां नूं इनपुट दित्ता होया तां आउटपुट ही फाइंड करांगे, ठीक है। 720 फोर्स आपने फाइंड करनी है, वेलोसिटी कितनी है 15, तो इतों फोर्स कितनी आ जूगी 720/15 किलो न्यूटन, किलो का मतलब होंगे 10^3। इसनों सॉल्व कर लेने हैं, 720/15, 720/15 48 आ गया, तो जो 48 किलो न्यूटन या फिर 48,000 न्यूटन, 1000 का मतलब कहता किलो, तो फोर्स कितनी आ गई 48,000 न्यूटन। क्वेश्चन सारे क्लीयर, इसलिए मैं थोड़ा जहा स्लो करवा रहा, सारे क्वेश्चनों के कुछ ना कुछ नव चीज़ आऊगी, समझ के करो आराम न करो, ठीक है। कोई चक्कर नहीं, अपने एक दो दिन ज़्यादा लग जाएंगे लगा देंगे अपना, बट तो चीज़ क्लैरिफाई होना चाहिए। आउटपुट क्यों लिती है, बिकॉज जी फोर्स लग रही है वह आउटपुट है, जी विलोसिटी है वह आउटपुट है। माइंड लगा के देखो, दिमाग लगाओ, लॉजिकली आप कुछ पखे की गल करते हैं, पखे आप बिजली दी, बिजली नाल की होया इनपुट गई, उस जी बिजली आपने दी है उसके कुछ तो होजू हीट कन्वर्ट होजू, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसने पखे को घुमाना है, तो पखे को घुमाने पर जी फोर्स लगेगी वह आउटपुट तो आई या इनपुट तो आई, वह आउटपुट पे आई, बिकॉज इनपुट के लॉस भी है तो आउटपुट भी है, ठीक है। होप तुसी आ नोट कर लिया होगा। हुण इहदे एग्जाम्पल समझो जिहड़ा तुसी पुछ रहे हो, यूनिट दे विच इह कीता एक्चुअल जो किलो हुंदा ना बच्चे, किलो वर्ड आ किलो वाला, किलो की वैल्यू हुंदी है 1000, याद है सारे नूं प्रीफिक्स दस्सिया सी, तां किलो न्यूटन नूं आपां 1000 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन भी लिख सकते हैं, जिवें आपां ग्राम नूं केजी च कन्वर्ट करते हैं ना, जिवें देखो किलो वॉट लिखा हुआ है, किलो वॉट का मतलब के का मतलब हुंदा 1000। हुण आपां ने लैट से 100 वॉट इलैक्ट्रिसिटी फैन नूं दित्ती, फैन ने उस चो 20 वॉट लॉस करता हीट दे विच जो अपने कोई काम का नहीं, ठीक है। एंड 80 वॉट की किया उसने पखे नूं रोटेट किया 80 वॉट नाल, तो अपने कोल यही होगी पावर आउटपुट, यह होगी पावर इनपुट। सारे नूं क्लीयर है कि जो आप फैन नूं दिने इलैक्ट्रिसिटी फॉर्मेट दे विच उह की हुंदी है, इनपुट हुंदी है, जो आपां नूं पखा रोटेट होके आउटपुट दिंदा, वर्ड भी आपां आउटपुट ही यूज करते हैं, सिंपल। हुण लॉजिकली सोच के देखो कि जब पखा रोटेट कर रहा है तो उहदे पखे ते जिहड़ा जोर पै रहा है, फोर्स लग रही है, वह 80 वॉट ते डिपेंड करूगा कि 100 वॉट ते डिपेंड करो, कॉमन सेंस यूज करो, वह डिपेंड करूँ 80 वॉट ते, जिहड़ी आउटपुट है उस ते डिपेंड करू फोर्स, जिन्ने फोर्स नाल वह पखा रोटेट हो रहा है, वह इनपुट ते डिपेंड नहीं करूगी। इनपुट दे विच अपने कोल एक्स्ट्रा फैक्टर हैगा लॉस वाला भी, लॉस माइनस करन तो बाद आपां नूं
जो मिलूगा उस पर डिपेंड करूँ कि पक्खा किमें रोटेट करता है। सारे नु क्लियर? तो इसे लॉजिक के बेस पे आपा ने जो फोर्स है वो आउटपुट पे डिपेंड करवाई है, ना ना के इनपुट के उत्ते। क्लियर? हूँ क्लियर सारे ना? स्टेटमेंट का मतलब की बन रहे थे? क्लियर ठीक है ना? आउटपुट इनपुट का ध्यान रखो, ठीक है? क्वेश्चन करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, इसलिए कहना होना जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्ना ज़्यादा तुम्हें क्लैरिटी होगी, इसलिए क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा जोर दिना। अपने को 36 क्वेश्चन है, 34th भी पेंडिंग है। चलो देख लो 34 डिस्कस करते हैं आप। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट दे भी कुछ करांगे अपन डिस्कस से, क्लैरिफाई कर लियो अपने आप, डाउट्स क्लियर कर लिया करो। पहले क्वेश्चंस कितने बचे? तुसी कोई क्वेश्चन पूछ दे नहीं, यस नो कुछ लिख नहीं रहे तुसी? प्रतिभा अंडा, ठीक है ठीक है ठीक है। अकाउंट डिफरेंट यूज कर रहे हो ताई मैनू कन्फ्यूजन हो रही है। 34th दी स्टेटमेंट रीड कर लो सारे। आम मटेके मैं 34th ते आना। क्लास के विच जेडे भी क्वेश्चन डिस्कस होने ने उसनू घंटे बाद अगले दिन अपने आप बैठ के बुक चो रिवाइज़ कर लिया करो, तो 90% क्वेश्चन की जी प्रॉब्लम है उन्होंने ही सॉल्व हो जूगी, तो कोई प्रॉब्लम रहनी नहीं। ऑन ए सीरियस नोट 34th क्वेश्चन देख लो। अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब, याद करो 1 मीटर क्यूब के 1000 लीटर होने हैं या फिर 1000 kg होने, इको गल होंगी है, ठीक है? आ चीज याद रखनी है। ऑफ वाटर कितने गया? इज एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर। 30 मीटर दी हाइट ते एक टैंकी है, टैंकी दी कैपेसिटी कितनी है? 50 मीटर क्यूब। 50 मीटर क्यूब मतलब 50,000 लीटर पानी है उस, 50,000 लीटर कह सकते हैं, 50,000 kg कह सकते हैं, बिकॉज 1 मीटर क्यूब च 1000 लीटर होता है, ठीक है? ये पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट है। इफ पंप हैज एफिशिएंसी ऑफ 40%, एफिशिएंसी कितनी है पंप दी? 40%। 40% का मतलब है पी आउटपुट बाय पी इनपुट। कैन फिल द टैंक इन 14 मिनट्स, तो किन्ने टाइम फिल कर रहा है? 14 मिनट्स के विच फिल कर रहा है टैंक, ठीक है? कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड बाय पंप। सिंपल है, आपने इनपुट फाइंड करनी है। कितों पता लगया? उसने कहा है कि उसने 40% एफिशिएंसी है ते पंप दी पानी चक्कण च, ते पावर दी कंज्यूम, पावर कंज्यूम का मतलब होंगे पी इनपुट, किन्नी इलेक्ट्रिसिटी लीती, ठीक है? क्लीयर सारे नू? हुण अपने कोल सब तो पहला आपां पी आउटपुट फाइंड करना है। पी आउटपुट का फॉर्मूला की होजू? वर्क डन बाय टाइम, जिन्ना काम किया किन्ने टाइम के विच किया, वर्क डन किया एम जी एच डिवाइड बाय टाइम, ठीक है? हुण पी आउटपुट है, एम मास किन्ना है? 50,000। ग्रेविटी की वैल्यू 10, मैं वैसे ही 10 लेना, इतने देख लें अपन जी गिवन है, अपन कुछ नहीं गिवन। वैसे बुक हर एक क्वेश्चन ना उसने ग्रेविटी 9.8 लिखी हुई है, आप 10 लेने ईजी कैलकुलेशन वास्ते, उलझना नहीं है। इंटू 30, टाइम किन्ना है? 14 मिनट्स। तो यह हो गया अपने को पावर आउटपुट, ये बन गया 2, ये बन गया 5। कैलकुलेशन कर दिया कितना बनता अपने को, 50,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 14, ये बन रहा अपने को 17857.14 वॉट। किलो वॉट कन्वर्ट करना है 17.85 किलो वॉट, एक ही हो गया अपने को पी आउटपुट। सारे नु क्लियर? 9.8 ना सही आंसर आऊगा मैनू पता है। चलो तुसी कहंदे हो 9.8 ले लेने हैं, कैलकुलेशन में पहला क्या सीगा? 10 नाल लवांगे कैलकुलेशन नाल फर्क पऊगा, 9.8 ले लेने हैं, कैलकुलेटर तो यूज़ करना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9.8 हाइट 30 मीटर, टाइम कितना लेता है? 14 मिनट्स।
ये बन जो 50,000 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 28, 17,500 आ गया, 17,500 वॉट, विच इज 17.5 किलो वॉट। ठीक है, बस पी आउटपुट आ गया। एफिशिएंसी की होती है पी आउट बाय पी इन, एफिशिएंसी है 40% इज इक्वल टू पी आउट, आउट कितना है 17.5 किलो वॉट डिवाइड बाय पी इन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपना आंसर आ जाएगा। तब पी इन कितना आ जाएगा 10/4 इंटू 17.5 किलो वॉट। ठीक है, 17.5 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 किलो वॉट, 43.75। यस, एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है 9.8 लेके। जे थोड़े हाथ कैलकुलेटर है तो 9.8 ले लो, जे मूझवानी करनी है कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो 10 ले लो, किसी ने गलत नहीं करनी है। क्लियर सारे नो? हुण क्वेश्चंस क्लियर हो रहे ने सारे नो? हुण तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप तक हो जाएंगे, होने चाहिए सीधे ने सारे दे, क्योंकि आप क्लास काफ़ी हद तक सारी चीज़ें डिस्कस कर देने। टाइप एफ विचों किसी ने कुछ पूछना है बच्चे, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस मैंने टाइप एफ चो भी कराने ने। टाइप एफ दे अपने को चार क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं 38th कराना, बाकी तीन क्वेश्चंस तुसी आप ट्राई करके देखो, फिर मेरे तो पूछ लियो। ठीक है, एक मैं करवा देना जिहड़ा मैनू टेढ़ा लग रहा है, 38 टेढ़ा लग रहा है, 38 मैं आप करा देना, तीन क्वेश्चंस तुसी आप ट्राई करके देखियो, होमवर्क है तुहाडा। बिल्कुल सही है, आप मैं खुद प्रेफरेबली 10 लेना ना, हमेशा ही 10 लेना, 9.8 कभी लेना ही नहीं। 38 ही क्या है बच्चे, मैंने 38 ही डिस्कस करना है गगन, ते मैं खुद प्रेफरेबली 10 वाले लेना हूँ ना। टाइप एफ तुसी प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहे हैं सिर्फ, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन कोई डिस्कस नहीं कर रहा, उस टाइम करूंगा जब तुसी प्रॉब्लम पूछोगे, हले सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल टाइप करवा रहा। ठीक है, दो दो तीन क्वेश्चन सी वो तक करवाते सी मैं क्लास चो। अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग एट अ स्पीड वी कंप्रेसिज अ स्प्रिंग थ्रू डिस्टेंस एक्स बिफोर इट्स स्पीड रिड्यूस टू वी बाय फोर, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्टेप। ध्यान नाल देख लो, अपने कोल एक ब्लॉक है, ब्लॉक मास एम है, वेलोसिटी वी है। ब्लॉक ने की किया, ब्लॉक ने एक स्प्रिंग इतने सेगा उसनू टक्कर मारी, टक्कर मार के उसनू कंप्रेस करता, एक्स डिस्टेंस नाल कंप्रेस हो गया, तो एक्स की करता अपन ने स्प्रिंग नू कंप्रेस करता, ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी हुण, ये होगी वी बाय फोर, तो मास एम है। तो लॉजिकली की होगा जिन्ना कैनेटिक एनर्जी चेंज होया, जिन्ना कैनेटिक एनर्जी लॉस होया वो किदे च कन्वर्ट होया, वो होया पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। स्टेप समझे, जिन्नी एनर्जी बॉडी ने लूज की जदों दी स्पीड वी तो वी बाय फोर गई, उन्नी एनर्जी स्प्रिंग ने गेन की बाय कंप्रेसिंग अ डिस्टेंस एक्स, एक्स डिस्टेंस कंप्रेस करके वो एनर्जी गेन होगी। तो आप इस नू टर्म्स नू पॉजिटिव रखना है, ठीक है, पॉजिटिव। तो अपने को नॉर्मली ध्यान ना समझो, स्टेप कनेटिक एनर्जी लॉस की होंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ये होंगे अपने को कनेटिक एनर्जी चेंज, उदे करता मैंने मोड, मोड का मतलब हाफ के एक्स स्केयर, आपने फाइंड की करना, आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइनल एनर्जी कितनी होगी हाफ एम, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है फाइनल वी बाय फोर स्केयर माइनस हाफ एम, इनिशियल एनर्जी कितनी है वी स्केयर, कि देखो जो हाफ के एक्स स्केयर। बट मैनू पता है, ध्यान देखो, बट मैनू पता है कि जदों आप लॉस होंगे बॉडी की स्पीड घटती है तो फाइनल वैल्यू घट होगी इनिशियल नालों। मैं इत्थे की करूँगा, मैं हाफ एम वी स्केयर कॉमन कर दा, अंदर है जो 1/4 स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्केयर, हाफ नाल हाफ कैंसिल हो गया। स्टेप सारे क्लियर है कि जिन्ना बॉडी ने एनर्जी लूज की है मूवमेंट करन दे विच स्लो होन च, वो एनर्जी स्टोर हुई है स्प्रिंग दे विच उसनू कंप्रेस करन दे लिए। नोट करके दसो, फिर नेक्स्ट स्टेप ते आवां मैं।
हो गया नोट सारे ना। जदों बॉडी मूव कीती उसकी स्पीड इनिशियल सी वी, जदों बॉडी ने स्प्रिंग नू कंप्रेस करता। ए मेथड वर्क एनर्जी थ्योरम दा कि वर्क डन स्प्रिंग नू कंप्रेस करन च की दे कुल होगा जिन्नी बॉडी ने एनर्जी लॉस कीती। एक बार नोट कर लो फिर मैं एग्जांपल दे दूंगा न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके, एक बार नोट कर लो इनू, एग्जांपल दूंगा न्यूमेरिकल वैल्यू करके, ठीक है। ये बन जो अपने को एम वी स्केयर ब्रैकेट स्टार्ट 1/16 माइनस 1 इज इक्वल टू के एक्स स्केयर, तो नेगेटिव चार्जू ये बन जो एम वी स्केयर 1 - 16/16 इज इक्वल टू के एक्स स्केयर। नेगेटिव साइन का भी दस दिना काका जी, सब रखो। ए बाजू -15 mv² / 16 इज इक्वल टू के एक्स स्केयर, तो के बन जो अपने को -15 mv² -15 mv² डिवाइड बाय के सॉरी x 16। साफ सुथरा लिख देने आप -15 mv² / 16 x² ये बन गया अपने को के दी वैल्यू। बट के की होंगे हमेशा मैग्नीट्यूड, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो पॉजिटिव चालू। नोट कर लो एक बार फिर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लेना तो क्लैरिफाई हो जाऊगा। नोट तो हो गया ना सारे का, मैं वैल्यूज अपने वालों लूंगा, देखिए चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का मैं मैथमेटिकल पोर्शन कर रहा हूँ। अपने कोल एक बॉडी है, बॉडी का मास लेट्स से 2 kg है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 4 m/s, सब तो ईजी वैल्यूज ले रहे हैं। जब उसने स्प्रिंग नू टक्कर मारी तो उसकी स्पीड कितनी होगी हूँ 1 m/s होगी, ठीक है। तो इसनों v2 कह देना, इसनों v1 कह देना। स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो गया, लेट से स्प्रिंग कंप्रेस हो गया 10 cm। आंसर इतने रोक सकते हो बट तुम पॉजिटिव लिखना पैना, नेगेटिव नहीं लिख सकते क्योंकि अपने स्प्रिंग कॉन्सटेंट जो होंगे नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं होता, स्प्रिंग कॉन्सटेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। आ वैल्यूज है हूँ, जदों अपने कोल पहला बॉडी की इनिशियल एनर्जी कितनी सी देख लो, इनिशियल सी 1/2 mv² कितनी होगी 16 J। हूँ फाइनल एनर्जी कितनी होगी 1/2 mv² कितनी होगी 1 J। सारे क्लीयर, एक ही होया एनर्जी लॉस होया 16 J तो यह कि बन गई अपने को 1 J, तो एनर्जी की लॉस है। तो अपने को लॉस कितना होया ध्यान देखो, जे आप सिंपल KEF - KEI करते हैं तो कि बन जू 1 - 16 - 15 नैगेटिव साइन भी शो करेगा, लॉस शो करेगा, क्लीयर। बट जे आप इसनों प्रैक्टिकली देखा तो लॉस कि हो जूगा 16, जो टोटल वैल्यू सी हूँ कि रहेगी 1 रहेगी, हूँ टोटल लॉस कि हो गया 15 J, तो 15 J की अपने को लॉस ऑफ एनर्जी है। हूँ क्लीयर सारे, नैगेटिव का सिर्फ यही रोल है कि वह सिर्फ शो करता है कि लॉस हो रहा है, होर कोई ओदा सिग्निफिकेंस ओदा होर कोई मतलब नहीं है। नाले ये दी केदी प्रॉपर्टी होंगी कि पॉजिटिव रहूगा, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होंदा, ये हमेशा पॉजिटिव रहूगा। फिर जेड़ी एनर्जी इसने लॉस की है वह किसने गेन की है, वह स्प्रिंग ने गेन की है। स्प्रिंग ने किस फॉरमेट गेन की है, उसने एनर्जी की फॉरमेट गेन की है, केड़ी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो 15 J की जी एनर्जी है वह स्प्रिंग दे विच चेंज होगी, ट्रांसफर होगी। स्प्रिंग दे विच ट्रांसफर हुई तो उसने कितना कंप्रेस किया, 0.1 कंप्रेस किया, 0.1 कितों आया 10 cm अपने को कंप्रेशन है, तो 10 cm नूं आपां मीटर च कन्वर्ट करांगे, SI यूनिट च कितना बन जू 0.1, तो बन जू 30 / 0.1 का स्केयर, एक दी वैल्यू जू के दी
एक ही बन जो 30 के नाल दो जीरो बन जाएंगे, ये बन जो अपने को न्यूटन पर मीटर, आ फॉर्मूला बन जो। हूँ दसो जे हूँ किसी कोई कन्फ्यूजन है ये नैगेटिव का सिर्फ मीनिंग है कि वह लॉस हो रहा है एनर्जी का, होर इस दे विच कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं है। क्लियर सारे नू क्वेश्चंस नू? गुड, ये वाला क्लियर है। यही है जे अपने कोल न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी है तो उसनों समझना समझाना दोनों ईजी होंगे है। जे अपने कोल वेरिएबल मतलब जो आ वाला पोर्शन है इसनों आप वेरिएबल कहेंगे, आ वाले पोर्शन आप वेरिएबल कहेंगे, जो 15x वगैरह बनया सीगा 15 mv² / 16x, ठीक है। ये अपने कोल की है वेरिएबल है जो ए बी सी दे फॉर्म में होंगे, जो अपने को 1 2 3 के फॉर्म च हों न्यूमेरिकल हों वैल्यू। चलो गुड क्लियर, हूँ 34th क्लीयर हो गया, 34th भी क्लीयर हो गया, नैक्सट भी क्लीयर हो गया। हूँ टाइप जी चो बोलो जो कोई हैगा क्वेश्चन, तुसी पूछे सी कि 53 ते 54 पूछ रहे थे, कुछ 54 वगैरह की बजाय तुसी कंजर्वेशन मकैनिकल चो पूछो पहला। मैं वो इतने पाइए पीडीएफ की टाइप जी चो 42 43 44 45 विच ऑल्ट, ठीक है करा दें। टाइप जी दे अल्टरनेटिव टाइप करा दें, प्रैक्टिस करने वास्ते तुहाडे कोल क्वेश्चंस हो जाएंगे। टाइप जी तुसी कीती नहीं, दो चार क्वेश्चन करा देना मैं प्रैक्टिस वास्ते हो जाऊगा। इसनों रोटेट करना पैना मैनू, लेट्स सी जो होंगे ये हो गया। कोई चक्कर नहीं, आप टाइप जी के क्वेश्चंस करांगे कुछ कुछ। डिफरेंट ने बच्चे टाइम एंड डिस्कस कर रहे हैं इतने कि तो जो एक फोबिया टाइप है ना क्वेश्चंस नू करन दा, वो चीज़ खत्म हो जाएगा। फोबिया मतलब डर, तो क्वेश्चन तुसी खुद प्रैक्टिस कर सकोगे जे क्वेश्चन डिस्कस होए होंगे, जे नहीं डिस्कस होंगे प्रैक्टिस भी नहीं होंगी। फिर पहला 42 क्वेश्चन है, 42nd क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लो सारे, आप 42nd डिस्कस करते हैं पहला। होप सारे ने प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा। फोर्टी टू की स्टेटमेंट रीड कर लो। मास ऑफ पेंडुलम बॉब इज 42, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मास ऑफ पेंडुलम बॉब इज 0.1 kg एंड स्ट्रिंग ऑफ 1 m लॉन्ग, द बॉब इज पुल्ड अंटिल द स्ट्रिंग मेक एन एंगल 30° विद द वर्टिकल। अपने को बॉब है, इसनों पुल किता है जब तक इसका एंगल नहीं बन रहा 30°, तो अपने को आ एंगल 30° है। सारे नु क्लियर, आकि अपने को बॉब है, बॉल जी होंगी अपने को स्मॉल मास थी उसनों आप बॉब कह दें। फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इफ द बॉब इज लीज्ड, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन इट्स पाथ। सिंपल है, एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल चलूगा। ध्यान देखो अपने को, अपने को लेंथ ही दी है 1 m रस्सी दी, तो मास के ना अपने को 0.1 kg है। हुण जो बॉब पॉइंट ए है पॉइंट बी है, ध्यान नाल देख लियो, ये चीज़ अपने क्लास डिस्कस नहीं की, तो हुण समझ लियो अपने को आ टोटल लेंथ कितनी है 1 l कह दें, ठीक है।
आपा मैं पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं ए बी, दिस इज सी, दिस इज ओ, सारे इनविजिबल है, ए बी सी ओ। हूँ ट्राइंगल लेना मैं, इन ट्राइंगल ओ सी बी, एक चीज़ कह देना, जिन्ने ज़्यादा तुसी क्वेश्चंस दी डिस्कशन सुनोगे उन्नी तुहाडी प्रैक्टिस वधिया होगी, उन्ने तुसी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चंस नू अच्छे तरीके नाल खुद हैंडल कर सकदे हो। ठीक है, ये सिर्फ एक इंटरेस्ट दी गल हुंदी है ते टीचर दी गल हुंदी है कि टीचर तुहाडे क्वेश्चन सॉल्व करांदा है कि उन्हां नू इग्नोर करता है। तुसी हुण पुछण वाले बणो, मैं तो सारे डिस्कस कराई चलो, बट प्रैक्टिस खुद करनी है ताई कुछ सीखोगे। ओ सी बी दे विच आपां ने ओ सी करना है, तो एंगल दे नाल वाली साइड की हो जाती है बेस। ठीक है, तो आप बेस बाय हाइपोटेन्यूज के देख लूँगा कॉस ऑफ थीटा, तब बेस कितना हो जाएगा, इट विल बी एच कॉस थीटा, एच कितना अपने को, हाइपोटेन्यूज कितना, एल कॉस थीटा। बॉब एक अपने को किमें कहेंगे, बॉब एक बॉल होंगी है छोटी जी जो पेंडुलम के नाल लगी होंगी है, छोटी जी मेटल दी बॉल होंगी है। ठीक है, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। तो अपने कोल बेस कितना आ गया, तो जे मैंने आ वाली चीज़ हाइट कटनी है ग्राउंड लेवल तो ध्यान ना देखो, आ चीज़ है हाइट है, हाइट कितनी हो जू डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये हो जूगी एल माइनस एल कॉस थीटा, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ये एच की वैल्यू है, तुम्हें पता होना चाहिए। कभी भी मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम यहाँ आंसर याद रखो, बट मैं ये कहूँगा कि तुम मैथड याद रखो। तो अपने को एच की है हाइट ऑफ बी फ्रॉम ए है, ठीक है, वर्टिकल हाइट ऑफ बी फ्रॉम ए है, कितनी आ गई, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, बाद वैल्यूज पुट कर लो, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, वन इंटू वन माइनस कॉस थर्टी, कॉस थर्टी की वैल्यू जो होंगी है होंगी है 0.8 समथिंग होंगी, मैं चेक कर लेना, √3/2 होंगे, वैसे √3/2 अपने को हो जाता है 0.866, जिसनों माइनस वन कर दिए अपना तो बन जो अपने को 0.133 मीटर, तो एच की वैल्यू अपने को क्वेश्चन लिए कितनी आ गई, 0.133 मीटर। सारे क्लीयर, यही बेसिक कंसैप्ट सीगा कि पॉइंट ए ते पॉइंट बी दे विच एच कितना हो, एच की है वर्टिकल हाइट। आपां ने पहला ओ सी फाइंड किया फ्रॉम द ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी ट्रायंगल दे विचों ओ बी कितना आ गया, ओ सी कितना आ गया अपने को एल कॉस थीटा, टोटल लेंथ कितनी है एल, तो नीचे वाली लेंथ कितनी बचूगी, ए ए तो लेके सी तक कितना बचूगा, दैट विल बी एल माइनस एल कॉस थीटा, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, दैट इज 0.133 मीटर। सारे क्लीयर, बस थोड़ा क्वेश्चन हो गया, किमें क्वेश्चन हो गया, अपने ने फाइंड करनी है एनर्जी एट बी, तो पॉइंट बी ते टॉप टॉप है, पॉइंट बी के टॉप है, टॉप ते वेलोसिटी की होंगी है 0, तो कैनेटिक एनर्जी कितनी हो जूगी, 0, समझ गया की कह रहे हैं मैं, कोई भी बॉडी टॉप ते पहुंचती है तो वेलोसिटी होंगी है 0, वेलोसिटी 0 तो कैनेटिक एनर्जी 0, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जूगी, ये हो जूगी एम जी एच, मास कितना बॉडी का, मास दिता होया सी 0.1 kg, ग्रेविटी ने 9.8 ले लेने, हाइट कितनी लेनी है 0.133 मीटर, तिना मल्टीप्लाई कर दिया, दिमाग खोलो सुनो की कहा जा रहा है, सब कुछ समझ आऊगा, फिजिक्स है तो बन जू 0.1, वैसे इन्हें ग्रेविटी की वैल्यू 10 दिती हुई है, यदा भी कुछ नहीं पता लगता, कभी 10 दे देता कभी 9.8, जिथे आप 10 लें उत्थे 9.8 ना कैलकुलेशन होंगी है, जिथे आप एक बार कंप्लीट तो कर लो उस्ताद, रिपीट तो होना ही है, तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाऊगी, 0.1 × 10 × 0.133, वैसे हो जू 0.133 हो जू, तो एनर्जी वुड बी 0.133 जाऊ, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जूगी, 0.133 जाऊल, यही वर्क डन होया अपना बॉडी नू ए तो बी लेके जाने वास्ते, एक बार नोट कर लो, रिपीट करना है मैंने फिर क्लियर हो जूगा, बट सामा कर लो, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। नोट हो गया सारे का, हम जिनी एनर्जी पॉइंट बी ते है उन्नी ही टोटल एनर्जी पॉइंट ए ते आऊ, टोटल एनर्जी पॉइंट बी ते कितनी है 0.133, पॉइंट ए ते पोटेंशियल एनर्जी हो जू 0, तो कैनेटिक कितनी हो जूगी 0.133 जाऊ, कि मैं पता लग गया,
देखो ध्यान रख, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, यही कंसेप्ट है। हाइपोटेन्यूज ध्यान नाल देखो, इस ट्राइंगल दे विच हाइपोटेन्यूज किन्ना है, आही है वन, तो यह लेंथ नहीं है, रस्सी नूं आपां उपर नूं लैके जावांगे तो रस्सी दी लेंथ तो सेम ही रहनी है, तो अपने कोल जेड़ा ओ तो लैके बी तक है, ओ तो लैके ए तक तो सेम ही हाइट है, ओ तो बी जिहड़ी रस्सी है ओ तो ए सेम है, यस और नो? ठीक है, ओ तो ए ओ तो बी सेम है, तो दोनों ही एल हैगे है, दोनों ही एल है, दोनों ही हाइपोटेन्यूज है। पता लग गया कुछ जशन जी? जेड़ा क्वेश्चन चल रहा वो तो बाकी बच्चों समझ दो, जितों तो खुद का दिल नहीं है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा सारा सुन लो, राइट साइड से मैं रिपीट कर रहा सारा। कुछ बंदे अपने जल्दी कह लो थक जाने ने, जो तो वधिया चीज़ कोई डिस्कस होने लगती है पहले ही थकावट हो जाती है इन्हें। क्या नहीं जशन? डायग्राम द्वारा देखो, इंपॉर्टेंट है ये। अपने कोल ये है बॉब, हुण इस नूं बॉब नूं आपां उपर चक के लैके जाना है, जदों बॉब नूं आपां उपर लैके जावांगे एवें आऊ एंगल आह 30 डिग्री तक लैके आना है, तो अपने कोल जिहड़ी लेंथ होगी रस्सी दी, लेंथ तां सेम ही रहू रस्सी दी कि चेंज हो जू, तो लेंथ कितनी रहेगी? 1 मीटर जो गिवन है, आपां 1 मीटर नहीं लेंदे, ठीक है? आपां पहले वेरिएबल लेने हैं, फिर आपां उस वैल्यूज पुट करते हैं। हुण जे इस पॉइंट नूं ओ लेने आपां, इस नूं ए ले लेने, इस नूं बी लेने, इत्थों आपां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, नीचों भी कर लिया, तो अपने कोल ए ते बी दे विचकार वर्टिकल हाइट किन्नी है? वो किन्नी है कि एच। हुण डायग्राम क्लियर है सारे नूं? ठीक है, आपां मार्क कर दें ए बी, इस पॉइंट नूं सी मार्क कर लेना मैं, ठीक है? तो ट्राइंगल लेना इन ट्राइंगल ओ सी बी, ध्यान नाल देखो, कॉस 30 इज इक्वल टू, या कॉस थीटा, मैं जनरलाइज टर्म लेना, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हुण जेड़ी साइड ते एंगल रेस्ट करदा वो की हो जाता अपने कोल बेस, तो बेस की अपने कोल आ वाला बेस है, ठीक है? तो बेस की अपने कोल आ वाला बेस है, तो हाइपोटेन्यूज की आही वाला है, सब तो बड़ी साइड एंगल वाली। डायग्राम से ध्यान देखियो, एल ते एच सेम हो गए, ये समझ लो जरूरी है तो सारे वास्ते, एल ते एच सेम हो गए ये। हुण इस दे विच जे बेस देखना हो, बेस की हो जू एच कॉस थीटा, एच की अपने कोल एल कॉस थीटा, तो इस पूरे साइड दे विच बी प्लस एच की दे इक्वल बन रहे एल दे, ओ तो लैके ए तक की गल कर रहे, तो एच की देख बन जू एल माइनस बी दे, बी की वैल्यू कितनी है? एल कॉस थीटा, तो एच कि आ गया एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हूँ क्लीयर सारे नू? फिर दूजी चीज़ याद रखनी है, जो अपने कोल पॉइंट बी है ये टॉप है, तो टॉप पॉइंट से रट्टा मार लो, वेलोसिटी की होंगी है 0 जे बॉडी ने वापस आना, जे उपर जाना है फिर टॉप नहीं है, फिर मतलब होर भी जाऊ, जे वेलोसिटी 0 है तो कनेटिक एनर्जी भी की हो जूगी 0, किहड़े पॉइंट से? टॉप पॉइंट से। तो बी पॉइंट पर कनेटिक एनर्जी किन्नी है सारे सिस्टम की? 0। पोटेंशियल एनर्जी किन्नी हो जूगी बी ते? एम जी एच। किन्नी सॉल्व करके आई सी? 0.133 जाऊ, जिन्नी पोटेंशियल एनर्जी बॉडी दी पॉइंट बी ते होगी उन्ना ही आपको वर्क डन करना पूगा इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। हूँ क्लीयर सारा कुछ, किमें दस्या किमें नहीं? हूँ ध्यान रखना है, जिन्नी टोटल एनर्जी पॉइंट बी ते है उन्नी ही टोटल एनर्जी पॉइंट ए ते हो। शॉर्टकट की है? शॉर्टकट ये है कि अपने कोल टॉप ते हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होंगी है, बॉटम ते हमेशा कनेटिक एनर्जी होंगी है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होंगी है, मतलब जिन्नी पोटेंशियल एनर्जी टॉप ते होगी उन्नी ही कनेटिक एनर्जी बॉटम ते होगी, क्योंकि टॉप ते कनेटिक 0 होंगी है, बॉटम ते पोटेंशियल 0 है, तो एक चीज़ 0 है टॉप ते, दूजी चीज़ 0 है बॉटम ते, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू की है? सेम है, बिकॉज एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है।
क्लियर। हुण करके भी दिखा दिंदा मैं, देख लो जे तुहानूं लग रहा है कि मैं सिर्फ हवा च गल कर रहा वो चीज़ मैं सॉल्व कर देना, देख लो ध्यान नाल। अपने कोल पॉइंट ए ते एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक कनैटिक होजू। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होजूगी? जीरो, ठीक है। तो कनैटिक एनर्जी की होजूगी? मैक्सीम। फिर पॉइंट बी ते कहने, ध्यान नाल देखो इतने, हुण पॉइंट ए ते टोटल एनर्जी कितने इक्वल होजूगी? कल कनैटिक के इक्वल, ठीक है। पॉइंट बी ते, पॉइंट बी ते वेलोसिटी जीरो है तो कनैटिक एनर्जी भी जीरो है। हुण एक्सप्लेन किया कि पॉइंट बी ते वेलोसिटी जीरो है तो कनैटिक एनर्जी जीरो है, बट पोटेंशियल एनर्जी की है? मैक्सिमम है। किस पॉइंट ते? बी पॉइंट ते। तो टोटल एनर्जी पॉइंट बी ते कनैटिक जीरो के कारण सिर्फ बन जू बी दे इक्वल। सो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। भज्जन की काली है, चज नाल ना सुन के जाइए कभी। तो ए पॉइंट ते कल्ली कनैटिक है, बी ते कल्ली पोटेंशियल है, तो दोनों की हैं सेम है। तो टॉप ते हमेशा कल्ली पोटेंशियल होंगी है, बॉटम ते हमेशा कल्ली कनैटिक एनर्जी होंगी है। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू की हो जाती है सेम। जे टॉप ते एरी वैल्यू 0.33 जाऊल है तो कनैटिक भी कितनी हो जाएगी? 0.133 जाऊ। हूँ क्लीयर? इन्ना ही वर्क डन करना पू जे अपने बॉडी को पॉइंट ए तो पॉइंट बी ते लेके जाना है एट ए हाइट एच। हूँ ये वेरिएबल टर्म है, ठीक है। होमवर्क तो यही है कि जिन्हें क्वेश्चन कितने रिपीट करने ने, ठीक है। टाइप जी वगैरह कंप्ली देखो किन्ने किन्ने कर सकते हो, बाकी कल डिस्कस करते हैं आप। गुड इवनिंग टू ऑल।